था कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी शक्ल ही कुछ और होती, मुझे बोलती थी ये बात। जो लोग मोदी जी की साइड है और अपने खिलाफ है, लोगों को क्या लगता है, ओ भाई मोदी जी से लोग की फटती है। मुनावर और अंजलि सच में रिलेशनशिप में है कि नहीं, आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। एंड मैं ये आपको भी बता रहा हूँ हर्ष एंड बसी भाई, आपको भी डाउट आप पूछ सकते हो। इसीलिए लाइव पे आया, कल बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है। ओके तो अंजलि सीधा आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि क्या आप और मुनावर सच में रिलेशनशिप में है कि नहीं? Maybe, not sure, huh? वो तेरी मतलब सच में कुछ ना कुछ चल रहा है दोनों बीच में। तब भी मैं सोचूं मुनार भाई इतने मोटे क्यों आ रहे, खुशी का मोटापा बना रहा मेरे ख्याल से। हाँ भाई थोड़ा मोटा तो हो गया ना भाई, थोड़ा चल रहा है ना भाई। दादा थैंक यू सो मच, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए एंड आई डोंट नीड एनीथिंग। एक सेकंड थम जा कच्चा बदाम, मतलब मुनार भाई आप दोनों सच में रिलेशनशिप चल रहा है? खाना पीना ऐसा बाहर का ही चल रहा है, बर्गर वर्गर फ्राई फ्राई। अब खाने की बात करें, खाना चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, राइट? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वैसे हर्ष भाई आज आप इतने बड़े कॉमेडियन हो, पर लाइक बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? ही एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी शक्ल ही कुछ और होती, मुझे बोलती थी ये बात। ये कोई बात होती है अपने बच्चे को बोलने वाली कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी शक्लें कुछ और होती है? आप ही ने पैदा किया हमारी, सही बात है। तो हर्ष भाई कोई ऐसा बचपन का इंसिडेंट याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? 10th में हिंदी की टीचर पढ़ा रही थी और मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसके होंठ पड़ रहे थे, मैं उसको लिप ग्लॉस लगा रहा था। कहती है हर्ष गुजराल ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैडम इसके ना होंठ बहुत पड़ रहे, मैंने सोचा लिप ग्लॉस लगा। तो कहती है कि इसके होंठ प्रसंग संदर्भ भावार से जरूरी है। वैसे हर्ष भाई अगर उस टाइम मोदी जी होते ना तो मन की बात में ये टॉपिक पक्का उठाते, क्यों मुनावर भाई? अब जो लोग मोदी जी की साइड है और अपने खिलाफ है, लोगों को क्या लगता है, ओ भाई मोदी जी से लोग की फटती है। अरे क्या बोल रहे मुनावर भाई, चैनल बंद कराओगे क्या मेरा? अंजलि भाभी कुछ तो बोलो, समझाओ अपने होने वाले पति को। इतना उदास होने की जरूरत नहीं, तुसी एक बारी कहो मैं करती हूं यार, अब जी कोई गल हैगी नहीं। कोई गल नहीं हैगी, ये छोटी आंख वाला ना मैं चैनल बंद करा देगा, कुछ समझाओ उसको। इंसान की जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीजें छोटी रहती है, किसी की आंख छोटी रहती है, किसी की नाक छोटी रहती है, किसी के कान छोटे रहते हैं। तो मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि तुम बड़े करो, नहीं ना तो रहने दो ना, तुम्हारा छोटी जीत तुम्हारे पास, मेरी छोटी जीत मेरे पास। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वैसे बसी भाई आपसे बात पूछनी, लाइक मैं मुनावर और हर्ष भाई तीनों को स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारे लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लग रहा है कि ये दोनों तो कर सके, इन दोनों में वो जज्बा है जो इन्हें आगे लेके जा सके जिंदगी में। पर जो भाई तुम हो ना, हाँ जी भाई, तुम छोड़ दो। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? रुको जरा, सबर करो। हेलो एवरीवन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल। बाय बाय।